बीते तीन चार दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है। पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है।